हेलो एवरीवन, दिस इज सुभाष पाराशर। आई वेलकम यू ऑल इन द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम। दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर इंडिगो। टुडे इन दिस वीडियो आई विल कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। इन माय प्रीवियस वीडियो आई कवर्ड अप टू प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। दे देयर अपॉन ऑब्टेंड अरेंजमेंट एग्रीमेंट्स from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. Alright, so now let's continue the text. The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. Since the sharecropping arrangement was risky to the peasant, that is why many peasants signed willingly. Yani bahut jyada risky hua karta tha ye arrangement, that is why many peasants signed willingly. Is pe kya kar diye? विलिंगली साइन कर दिए। दोज हु रजिस्टर्ड इंगेज्ड लॉयर्स मीन्स द पेजेंट्स और शेयर क्रॉपर्स, दोज हु रजिस्टर्ड इंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने क्या किया कि लॉयर्स को हायर कर लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, अच्छा, टू फ्राइटन द शेयर क्रॉपर्स द लैंडलॉर्ड हायर क्रिमिनल्स। ठग्स मीन्स क्रिमिनल्स। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. हुआ क्या था इसी बीच में कि सिंथेटिक इंडिगो की जो न्यूज़ थी ना, वो जो है कहाँ तक पहुँच गई, reached the illiterate peasant, अनपढ़ किसानों तक पहुँच गई थी, who had signed, जिन्होंने क्या कर दिए थे, एग्रीमेंट पर साइन कर दिए थे, and they wanted their money back, अब वो अपना पैसा वापस मांग रहे थे, the money that they paid previously to the British landlords. All right? एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इसी मुद्दे पर, इसी इशू पर गांधी जी वो चंपारण में पहुँचे थे या चंपारण में आए थे। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। एज यू नो वेरी वेल दैट महात्मा गांधी वॉज अ लॉ अबाइडिंग मैन, ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेक द लॉ इन हिज हैंड्स। देयर फॉर ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। ये एक लॉ अबाइडिंग होने के नाते ही था कि सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर विजिट किया, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी ने क्या कहा महात्मा गांधी से, दैट ही वुड गिव नो इन्फॉर्मेशन एज महात्मा गांधी वॉज एन आउटसाइडर अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी। ऑलराइट, अच्छा, गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने रिप्लाई किया सेक्रेटरी के लिए कि वॉज नो आउटसाइडर। ऑलराइट, नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरुहट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। गांधी कॉल्ड ऑन, गांधी जी हैड अ मीटिंग विद द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरुहट डिवीजन। तिरुहट इज अ डिवीजन विच लाइज इन बिहार। ऑलराइट, डिवीजन इज अ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, एक्चुअली इसमें 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये वो डिवीजन है जिसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फॉरथविथ टू लीव तिरुहत। यानी वहाँ पर देखिए अजीब सी बात है, यहाँ कमिश्नर ने भी जो है गांधी जी को धमकाने की कोशिश की थी। प्रोसीडेड टू बुली मी यानी डराने की कोशिश की थी, एंड एडवाइज्ड मी फॉरथविथ टू लीव तिरुहत, और मुझे सलाह दी थी कि मैं तुरंत ही क्या कर दूँ, तिरुहत छोड़ दूँ। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। इंस्टेड यानी अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। यानी चंपारण की क्या है, कैपिटल है। इसको देख करके थोड़ा सा आपको और लग सकता है कि अ डिस्ट्रिक्ट, हाउ कैन अ डिस्ट्रिक्ट हैव अ कैपिटल, तो वो एक्चुअली में ऐसा होता है, देयर आर अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विच डज नॉट हैव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इटसेल्फ। यानी जिनमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ही नहीं, फॉर एग्जांपल नारनौल ऑफ हरियाणा, सॉरी महेंद्रगढ़ ऑफ हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट तो है बट सेशन कोर्ट की बात कर लो, डीएम ऑफिस की बात कर लो, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात कर लो, तो वो कहाँ पर है, वो नारनौल में है। इन द सेम वे चंपारण इज अ डिस्ट्रिक्ट बट ऑल इट्स वर्क इज डन इन मोतिहारी। कहाँ पर होता है, मोतिहारी, दैट इज वाई इट हैज़ बीन मैंशनड हियर द कैपिटल ऑफ चंपारण। ऑलराइट, अच्छा, सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम एट द रेलवे स्टेशन। बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर उनके साथ में लॉयर्स आ गए। अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, बहुत सारी भीड़ आ गई थी जिन्होंने गांधी जी का वेलकम किया, ग्रीट किया।
ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, वो एक घर में गए, एक घर पर गए और उन्होंने उस घर को कैसे यूज किया, हेडक्वार्टर्स की तरह यूज किया। कंटिन्यूड इज इन्वेस्टिगेशन देयर एट दैट हाउस ओनली, ही कंटिन्यूड द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द शेयर प्रॉपर्स। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पेजेंट हैड बीन मैलट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज, यानी आफ्टर सम टाइम देयर केम अ न्यूज दैट अ पेजेंट इन अ नियर बाई विलेज हैड बीन मैलट्रीटेड बाई द ब्रिटिश अथॉरिटी। ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा क्या किया गया, मैलट्रीट किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था कि वो जाएंगे और उससे मिल के आएंगे कि एक्चुअली में इशू क्या है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, सिंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, दैट इज वाई ही स्टार्टेड ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटोक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे महात्मा गांधी। आफ्टर सम टाइम देयर केम द सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर, यानी SSP का मैसेंजर आ गया। ही ओवरटोक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, क्या बोले कि आपको टाउन के लिए वापस जाना था। इन एज कैरेज, उसकी कैरेज में, मीन्स मैसेंजर की कैरेज में। गांधी कंप्लाइड, गांधी फॉलोड, गांधी डिड वॉट एवर द मैसेंजर वॉन्टेड। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम वेयर ही सर्व्ड विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, यानी कि मैसेंजर गांधी जी को कहाँ पर ले आया, घर ले आया। वेयर ही सर्व्ड हिम, जहाँ पर गांधी जी को सर्व किया गया, एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, एक ऑफिशियल नोटिस दे दिया गया, इसमें ये लिखा हुआ था कि गांधी जी हैड टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, तुरंत ही गांधी जी को क्या करना है, चंपारण छोड़ना है। ऑल राइट, गांधी साइंड अ रिसिट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने क्या किया, एक रिसिट साइन की उस नोटिस के लिए, एंड रोट एंड ऑन दैट रिसिट ही रोट दैट ही वुड नॉट ओबे द ऑर्डर, कि वो आपके ऑर्डर को ओबे नहीं करता, आपकी बात को नहीं मानता सिंपली। अच्छा, इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपियर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। अच्छा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि गांधी जी को क्या दे दिया गया, गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस दे दिया गया। ठीक है, ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी जी सो नहीं पाए थे, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट गांधी जी वेंट टू हेल्प द पेजेंट्स एंड शेयर प्रॉपर्स, बट देयर ही वॉच कॉट इन अ न्यू इशू, एक बड़े मुद्दे में फंस चुके थे और वहाँ पर ब्रिटिश अथॉरिटी चाहती थी कि तुरंत ही चंपारण छोड़ दे, बट गांधी जी वॉच एडमंट ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव चंपारण, दैट इज वाई ही वॉच गिवन अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट इन द नेक्स्ट डे। अच्छा, तो पूरी रात जो टेंशन में आ गए, टेंस्ड हो गए गांधी जी, सोए नहीं। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया कि राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ कर दिया कि जितने भी पॉपुलर और प्रोमिनेंट फ्रेंड्स हैं ना, उन सब को लेकर के वो यहाँ कोर्ट में आ जाए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, आश्रम के लिए भी इंस्ट्रक्शंस भेज दिए। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, सेकेंड अटैम्प्ट टू शो हिम दैट ही वॉच, यानी कि गांधी जी वॉज अ लॉ अबाइडिंग मैन, यानी कि वो हर दम हर काम लीगली करते थे। द वे ही शेयर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। ऑल राइट, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स, यानी इन द मॉर्निंग व्हेन पीपल केम टू नो दैट महात्मा गांधी वॉज इन ट्रबल, दे केम टू शो देयर सपोर्ट टू महात्मा गांधी एंड दे गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट हाउस। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, पीपल एट मोतिहारी डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड वॉट एवर ही डिड इन साउथ अफ्रीका। एज यू नो वेरी वेल सिंस 1899 से लेकर के 1915 तक महात्मा गांधी हैड बीन इन साउथ अफ्रीका, ही वॉज हेल्पिंग नेल्सन मंडेला एंड अदर पीपल, उनको फ्रीडम दिलवाई थी। बट हियर पीपल एट मोतिहारी डिड नॉट नो वॉट एवर ही डिड इन साउथ अफ्रीका, दे हैड मियरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वॉन्टेड टू हेल्प दैम वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। उनको तो सिंपली इतना पता था कि कोई महात्मा आया हुआ है जो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करना चाहता है, बट वो क्या है, वो एक्चुअली में प्रॉब्लम में फंस गया है विद द अथॉरिटीज, किससे, अथॉरिटीज से।
Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of the British. See, the spontaneous demonstration done by the people at Motihari was the beginning of their liberation from the fear of the British authority. As you know that people in ancient times, especially in 19th century and 18th century, people were afraid of the British authority. We Indians could not speak freely, बोल ही नहीं सकते थे. लेकिन यहाँ पर 1917 में कुछ ऐसा हुआ था कि कोर्ट हाउस के सामने चंपारण के लोगों ने, मोतिहारी के लोगों ने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया था ना स्पॉन्टेनियस वे में, यानी नेचुरली जो उनका कोर्ट हाउस के सामने हज़ारों की संख्या में खड़े होकर के जो डेमोन्स्ट्रेशन करना था, वो उनके ब्रिटिशर्स के फ्री होने की, लिबरेशन की क्या थी, बिगनिंग थी. ऑलराइट, the official felt powerless without Gandhi's cooperation. यानी भीड़ इतनी थी that the officials could not control the mob, but there also Mahatma Gandhi helped the authority. He helped them regulate the crowd. गांधी जी ने वहाँ भी जो है भीड़ को कंट्रोल करने में उनकी हेल्प की थी. He was polite and friendly there with the officials. गांधी जी had been polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might hitherto. Gandhiji was giving them solid proof that their power hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by the Indians. Yani wo ne solid proof de rahe the ke inki ab tak ki jo unquestioning power thi na, darane wali power, might means power, hitherto means ab tak ki, dreaded and darane wali, dhamkane wali, unquestioned yani jis par question mark nahi lagaya ja sakta tha, could be challenged by Indians, jisko Indians ke dwara kya kiya ja sakta tha, चैलेंज किया जा सकता था. इन चीज़ों का गांधी जी सॉलिड प्रूफ दे रहे थे अथॉरिटी को. द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, यानी भीड़ को देख करके गवर्नमेंट क्या हो गई, कन्फ्यूज हो गई. द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैफल्ड इज कन्फ्यूज. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जस्ट टू पोस्टपोन द ट्रायल. द लॉयर ऑफ द प्रोसिक्यूटर यानी गवर्नमेंट एडवोकेट रिक्वेस्टेड द जस्ट टू पोस्टपोन द ट्रायल बिकॉज ही न्यू वेरी वेल दैट इफ समथिंग वेंट रॉन्ग द क्राउड विल डू समथिंग रॉन्ग. अगर कुछ भी गलत होता है तो ये क्राउड यहाँ पर रुकेगी नहीं और कुछ भी हो सकता है यहाँ पर. दैट इज वाई ही रिक्वेस्टेड द जस्ट टू पोस्टपोन द ट्रायल. अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स. क्लियरली दिख रहा था कि वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ना, वो अपने सुपीरियर्स से मैटर को कंसल्ट करना चाहते थे, डिस्कस करना चाहते थे. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, यानी कि जैसे डिले हो रहा था ना ट्रायल में, तो गांधी जी इस बात का अपोज कर रहे थे. ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. वो एक कोर्ट के अंदर ही एक उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा था. एंड ही एक्सेप्टेड दैट ही वॉज गिल्टी. एंड ही सेड ही वॉज इन्वॉल्व्ड. ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज. यानी देर वॉज अ डिलेमा इन फ्रंट ऑफ महात्मा गांधी. द डिलेमा वॉज ऑफ ड्यूटीज. अब डिलेमा क्या था, देखिए. ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर. गांधी जी एक और तो जो है क्या नहीं बनना चाहते थे, एक लॉ ब्रेकर के रूप में बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं होना चाहते थे. ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस. यानी अपनी नेशनल और ह्यूमैनिटी की सेवाएं देना चाहते थे. फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो चंपारण आए थे. ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव. उन्होंने जो है जो कोर्ट से जाने का या चंपारण छोड़ने का जो ऑर्डर था ना, जैसे कि उनको सम्मन मिला था, फिर कोर्ट में गए और वहाँ पर ये भी कहा था कि तुम तुरंत ही जो चंपारण छोड़ दो, तिरुवत छोड़ दो, तो उस ऑर्डर को क्या कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया. नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी. ऐसी बात नहीं थी दैट महात्मा गांधी डिड नॉट रिस्पेक्ट द ऑफिशियल्स, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बींग द वॉइस ऑफ कंसाइंस. लेकिन वो ज़्यादा ओबीडियंट थे किसके लिए, वॉइस ऑफ कंसाइंस के लिए. यानी हमारी सबसे मोरल ड्यूटी होती है वो होती है अंतरात्माओं की आवाज़ को सुनना, तो महात्मा गांधी उसको ज़्यादा फॉलो कर रहे थे. दैट इज वाई ही डिड नॉट थिंक अबाउट द ऑफिशियल्स एंड दैट इज वाई ही डिड नॉट थिंक अबाउट ऑल द पीपल वॉट दे वर थिंकिंग दैट महात्मा गांधी वॉज ब्रेकिंग द लॉ और वॉट एवर ही वॉज डूइंग. ही आस्क्ड द जज फॉर द पेनल्टी ड्यू. यानी उन्होंने जो है कहा कि जो पेनल्टी आप मेरे ऊपर लगाएंगे ना, मैं वो पेनल्टी झेल लूँगा, बट आई विल नॉट लीव चंपारण, मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा. द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस द सेंटेंस आफ्टर 2 hour रिसेस एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 minutes. अच्छा, थोड़े टाइम बाद में जो है मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया था कि मैं इस केस की सुनवाई करूँगा
2 hours की रिसेस के बाद में, एंड मीन वाइल ही सेड टू गांधी दैट गांधी जी कुड बी फ्री ऑन द बेल फॉर दोज 120 minutes, यानी उन 120 minutes के लिए गांधी जी को जो है सिक्योरिटी के बेल बेस पर क्या हो सकते थे, फ्री हो सकते थे, यानी बेल पर फ्री हो सकते थे। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया, डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ बेल, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो मजबूर होकर के जज ने जो है बिना बेल के ही महात्मा गांधी को फ्री कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड द जज सैड, जब कोर्ट दोबारा लगाना तो जज ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वो जो है कई दिनों तक इस केस की सुनवाई नहीं करेगा। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, मीन वाइल रिजल्ट ये निकला कि उसने गांधी जी को फ्रीडम के साथ में चंपारण में मोतिहारी में रहने के लिए अलाउ कर दिया। ऑलराइट, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, बहुत सारे लॉयर्स आ गए थे एज पर द टेलीग्राफ डन बाई महात्मा गांधी, दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से सारा मैटर डिस्कस किया। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, अच्छा उन लॉयर्स से गांधी जी ने पूछा कि वो लोग क्या करेंगे इफ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, अगर उन्हें जेल हो गई तो इस केस में, क्योंकि केस तो चल ही रहा है। ओनली एंड ओनली महात्मा गांधी वॉज अलाउड टू रिमेन एट लिबर्टी, फ्रीली रहने दिया गया है, बट देयर वॉज केस अगेंस्ट महात्मा गांधी, कीप इन माइंड। ऑलराइट, तो इस बात को सोचते हुए गांधी जी कन्फर्ड, गांधी जी डिस्कस्ड विद द लॉयर्स कि वो लोग क्या करेंगे अगर मुझे जेल हो जाती है तो। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, उनमें से एक सीनियर लॉयर ने रिप्लाई किया, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वो लोग तो सिंपली एडवाइज करने के लिए आए थे और हेल्प करने के लिए आए थे। इफ ही वेंट टू जेल देर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम, तो कोई होगा ही नहीं एडवाइज कर देने के लिए, एंड सिंपली दे वुड गो होम, वो घर चले जाएंगे। दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ द सीनियर लॉयर, देखो कितनी शर्म की बात है। गांधी जी जो उन सारे लॉयर्स के बीच में कम्प्लीटली आउटसाइडर थे, यानी कि गांधी जी गुजरात के रहने वाले थे और मैटर कहाँ का है, चंपारण बिहार का है, स्टिल द लॉयर्स हु बिलोंग्स टू चंपारण एंड अदर प्लेसेस ऑफ बिहार, दे वर सेइंग दैट दे केम टू एडवाइज हिम एंड इफ नोबडी वॉज देयर दे वुड गो होम। देन अगेन गांधी डिस्कस्ड, व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, अच्छा जो शेयर क्रॉपर्स के साथ में जो इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या होगा। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, जितने भी लॉयर्स थे ना सारे के सारे पीछे हटे डिस्कस करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, वकीलों की जितनी भी कंसल्टेशन हुई थी, जितना भी डिस्कशन हुआ था, सबको रिकॉर्ड कर लिया गया था, किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अच्छा, व्हाट वर देयर कंसल्टेशंस, सी दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी जी जो उन सबके बीच में कैसा था, स्ट्रेंजर था, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पेजेंट्स, और फिर भी वो बंदा जो है पेजेंट्स की खातिर जेल जाने के लिए तैयार था। इफ़ दे मीन्स ऑल द लॉयर्स, इफ दे ऑन द अदर हैंड बींग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द अजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, जो केवल और केवल उनके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले इनहेबिटेंट्स और रेजिडेंट्स ही नहीं हैं, बट ऑल्सो दोज यू क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पेजेंट्स, लेकिन वो केवल उनके पड़ोसी जिलों के रहने वाले ही नहीं हैं, बल्कि वो लोग ये भी क्लेम करते हैं कि हमने इनके केसेस को कहाँ तक सर्व किया, हमने इन पेजेंट्स को कहाँ तक सर्व किया है, हमने इनके केसेस को जो है कोर्ट तक पहुँचाया है, हम इनकी सेवाएँ कर रहे हैं, शुड गो होम, वो घर चले जाएंगे, इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, अरे ये तो शेमफुल डिसर्शन होगा, यानी शर्मनाक कृत्य होगा, यानी एक शेमफुल डीड होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, यानी डिस्कशन के बाद में वो सब के सब गांधी जी के पास गए वापस, एंड दे टोल्ड दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, कि अगर गांधी जी को जेल हो जाती है तो दे वुड ऑल्सो फॉलो हिम इन टू जेल, कि वो भी जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड, यानी दिस मेड गांधी जी एक्सक्लेम्ड दैट द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वॉट मेड महात्मा गांधी कमेंट दैट द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, तो आप सिंपल लिखोगे द कंसेंट गिवन बाई द लॉयर्स दैट दे वुड फॉलो हिम इन टू जेल
Made Mahatma Gandhi exclaimed, made Mahatma Gandhi command that the Battle of Champaran is won. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the orders in which each pair was to go to rest. फिर उन्होंने क्या किया, he took a piece of paper and write down the orders in which the pair has to give its presence to the court. कोर्ट में जाना था, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि कोर्ट में अपनी उपस्थिति जिस पेयर को जिस टाइम देनी थी वो सारे के सारे ऑर्डर्स डिसाइड किए गए. सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड. देखिए कितनी मजे की बात है, कई दिनों के बाद में गांधी जी को मजिस्ट्रेट के यहाँ से एक रिटन कम्युनिकेशन हुआ, यानी एक लेटर आया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस यानी प्रांतीय गवर्नर ने ये डिसाइड कर लिया है कि द केस दैट वॉज गोइंग ऑन अगेंस्ट महात्मा गांधी हैड बीन ड्रॉप्ड. क्या कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है. दिस वॉज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन मॉडर्न इंडिया, यानी ये मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस की पहली विक्ट्री थी जो 1917 में आई थी चंपारण मूवमेंट के थ्रू. क्लियर, तो समझ गए ना, व्हाट वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन मॉडर्न इंडिया, यानी वन गांधी जी गॉट अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड. दैट वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन मॉडर्न इंडिया. सो देखिए महात्मा गांधी कितने डिटरमाइंड थे, कितने रेजोल्यूट थे, इस बात का तो पता चल ही रहा है. यानी कि अगर कोई काम करना है तो करना है, ब्रिटिश अथॉरिटी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था. इसको कहते हैं कि ही वॉज अ प्रीस्ट ऑफ नॉन वायलेंस, पिटते ही रहते थे बट कोई वायलेंस नहीं करना, लेकिन जस्टिस लेके रहेंगे. गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स. यानी कि केस तो खत्म हो गया, अब तो और फ्री हो गए, अब तो गांधी जी और लॉयर्स जो है डिटेल्ड इंक्वायरी करने लगे. जितनी भी फार्मर्स की प्रॉब्लम्स थी ना, ट्रबल्स थी, उनके कष्ट थे, उनकी जो है डिटेल्ड इंक्वायरी करने लग गए. डिपोजिशंस अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर टेकन डाउन, यानी लगभग 10,000 किसानों से क्या ले लिए गए, उनकी सहमति ले ली गई, डिपोजिशंस ले लिए गए एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे एविडेंस के बेस पर क्या बना लिए गए, नोट्स बना लिए, क्योंकि लीगल एक्शन होगा तो लीगल एक्शन एविडेंस के बेस पर ही चलेगा, डिपोजिशंस के बेस पर ही चलेगा, तो सारी चीज़ें जरूरी थी. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट किए गए थे. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. पूरा का पूरा मोतिहारी वाला एरिया, चंपारण वाला जो एरिया था ना, कांपने लग गया था विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, यानी कि गांधी एंड हिज टीम उसके द्वारा कांप रहा था. एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, यानी स्ट्रांग प्रोटेस्ट, स्ट्रांग अपोज ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, यानी जो चीज़ें महात्मा गांधी एंड हिज टीम जो चाहते थे ना, उन्हीं चीज़ों का लैंडलॉर्ड्स की तरफ से क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था. इट्स एनफ फॉर द डे. I hope you will enjoy the learning. Okay, bye bye. See you.